विकास प्राधिकरण की वीसी द्वारा 110 संविदा कर्मचारियों को निकाले जाने से नाराज कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। सिविल लाइन स्थित छतरी वाले पार्क में की गई मीटिंग। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की वीसी द्वारा हटाए गए 110 संविदा कर्मचारियों के संबंध में थाना सिविल लाइन स्थित छतरी वाले पार्क में मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में 110 कर्मचारियों को निकाले जाने पर रोष व्यक्त किया गया। वहीं मीटिंग में बाबा दस के पदाधिकारी लल्ला बाबू द्रविड़ ने विकास प्राधिकरण की वीसी द्वारा निकाले गए 110 संविदा कर्मचारियों के संबंध में नाराज की जताई। उन्होंने कहा कि 110 कर्मचारियों को काम से निकालने पर उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। अगर कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया तो सभी कर्मचारी भावदास के नेतृत्व में सोमवार को बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। मुझे लल्ला बाबू ड्राइवर कहते हैं। बाबू जी, यह किस तरह की मीटिंग की जा रही है, किस संबंध में की जा रही है? देखिए, विकास प्राधिकरण की जो बीसी महोदया हैं, उन्होंने हमारे फोर क्लास के 110 कर्मचारियों को बगैर नोटिस दिए बाहर कर दिया है और 110 परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। ये 25-25-30 साल से कार्य कर रहे थे, जबकि गवर्नमेंट से कई बार रिमाइंडर आया है कि इन्हें नियमित कर दिया जाए, लेकिन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनको दबाए रहे और अब आंदोलन को तैयारी कर रहे हैं। सोमवार से आंदोलन स्टार्ट कर दिया जाएगा, उन्हें नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद जो उसकी रणनीति होगी संघर्ष की वो आपको बताई जाएगी।